मित्रों हसदे गाउंदे पंजाबी अपनी नेचर अपने सुभाअ करके पूरी दुनिया विच जाने जांदे ने। पंजाबियों ने अपनी विल पावर नाल हर फील्ड विच तरक्की कीती है, पूरी दुनिया विच अपनी पहचान बनाई है। हाजर जवाबी ते तंदुरुस्त शरीर पंजाबियों की खास आइडेंटिटी है। पर मित्रों अफसोस की गल तो यह है कि आज साडे हसदे गाउंदे पंजाब विच ड्रग एडिक्शन यानी नशाखोरी बड़ी तेजी नाल फैल रही है। ड्रग दी इस लानत नूं जेकर कंट्रोल ना किया गया ते आने वाले समय विच इस तों भयानक सिट्टियां दा सामना करना पवेगा। मित्रों यही होवेगा साडे अज दे प्रोग्राम दी चर्चा दा विषय यानी ड्रग एडिक्शन। मित्रों साडे देश विच टैलेंट दी कोई कमी नहीं है, बल्कि इस धरती ते जो भी इंसान पैदा हुंदा है वो अपने नाल कोई ना कोई टैलेंट कोई ना कोई गुण जरूर लैके आउंदा है। तो इसे तरह एक गुणी जादूगर दे नाल अज असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हां जो कि इस दुनिया दे पहले सिख जादूगर ने। मुलाकात करवाने तुहाडी इस दुनिया के पहले सिख जादूगर मशहूर जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर जी के नाल। सत्या जी जितेंद्र जी, तुहाडा साडे स्टूडियो विच बहुत बहुत स्वागत है। पूछना चाहांगी कि तुसी जादू लई किवें प्रेरित होए, किन्ने तुहानू इंस्पायर किया, हजे भी वक्री वक्री जादू दी एक्सरसाइजेज जदों तुसी करदे हो ते कौन तुहानू इंस्पायर करदा? मैनूं इह गॉड गिफ्ट सी, मैं 5 साल दा सी जदों मेरे दिमाग विच इह फुरना उठिया कि दुनिया दे विच मैं कुछ अलग करके दसां। माचिस की डिब्बी किनिया भी तुसी तीला गिन के पा देंदे सी ते मैं उहदी आवाज सुन के दसदा सी इहदे विच किनिया तीला किनिया स्टिक ने। यह मैं 5 साल की एज विच अपने दिमाग नाल एक खेल कढ़िया। उस तों बाद मैं बहुत सारे ऐसे खेल अपने दिमाग नाल कढ़े, रस्सी दे खेल, माचिस दे, ताश दे, बहुत सारे खेल ऐसे कढ़े जिहड़े मैं रिश्तेदारी विच फ्री दिखांदा सी ते फ्री जिहदे कोल जांदा सी उह कहिंदा सी जादूगर आ गए जादूगर आ गए। कोई पार्टी ब्याह शादी सी ते उत्थे मैनूं कहा जांदा सी दो चार आइटमां दिखाओ। 11 साल की एज में मैं अपने स्कूल दे विच पहला स्टेज शो किया, मैनू बहुत ही वाह वाह मिली, टीचर ने बहुत प्रसन्न किया, प्रिंसीपल ने मैनू शाबाश दी ते एक इनाम भी दिता। उस तो बाद चल सो चल मेरे को अज इनिया आइटमां ने हिंदुस्तान दे विच कि मैं सोचना कि शायद किसी को इनिया आइटमां नहीं होनिया। मेरे को 10,000 तो उपर आइटमां ने जादू दियां, जादू दी आइटमां बनांदा भी हाँ सिखांदा भी हाँ दिखांदा भी। अच्छा ये तो बचपन की गल, अज का साडा विषय है ड्रग एडिक्शन नशाखोरी की समस्या। तो तुसी थोड़ी देर पहला यह भी कहा कि तुसी एहो जी आइटम्स भी बनाईया ने जो कि नशाखोरी की समस्या नू उजागर कर दिया ने ते लोकां नू ये समझाने की कोशिश कर दिया ने कि भी नशाखोरी उन्हां दी सेहत लई परिवार लई समाज लई देश लई कितना बुरा। तो तुसी एहो जी कौन-कौन आइटम है साडे दर्शकां नू तुसी विखाउणा चाहोगे? सब तो वधिया साडे कोल जिहड़ी आइटमां ने ओह तुहाडे कोल अलूजन जिहड़ी आइटमां हुंदियां ने साडे स्टेज ते हुंदियां ने। अज तुहानू मैं तुहाडे स्टूडियो ते माध्यम ते दसणा चाहुंदा वां गुड मॉर्निंग पंजाब फोरम दे विच मैनूं बड़ी खुशी है कि मैं आया वहां ते मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा वां ड्रग्स जो है हर इंसान किस तरह अपने आप नूं जलांदा है ते उस तों बाद उहदा की हुंदा हशर हुंदा है। ये तुहाडे सामने मोमबत्ती जला दित्ती है, इस मोमबत्ती नूं जिस तरह मोमबत्ती तुहाडे सामने कहते हैं शम्मा जल जाती है, तो शम्मा जब पूरी जल जाती है तो खत्म हो जाती है अग्नि जिहड़ी हैगी है अखीर लो धीरे 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 खत्म हो जाती है। इस तरह जो लोग ड्रग्स लेंदे ने वो अपने शरीर नूं खत्म कर लेंदे ने। अगर ड्रग्स तो बचा किया जाए तो उसी दे कारण तुहाडे घर विच खुशियां आ सकदियां ने, बुखार आ सकदियां ने। जिस तरह यह मोमबत्ती एक गुलदस्ते का रूप तुहाडे सामने लै चली है। चलो अज असी चर्चा कर रहे हैं अपने अज दे सब्जेक्ट ड्रग एडिक्शन बारे। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल डिवेलपमेंट एंड विमेन एंड चिल्ड्रन वालों सन 2006 के 8 जिलों में किए गए एक सर्वे तो पता चलिया कि पेंडू इलाकों में 67 लोगों में एक इंसान किसी ना किसी नशे का शिकार है। जितेंद्र सिंह बब्बर जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ड्रग्स की प्रॉब्लम, साड़ी नौजवान पीढ़ी नू दीमक की तरह खांदी जा रही है। तुहाडे मुताबिक इस प्रॉब्लम नू टैकल करन लई की कीता जाना चाहिए? सब तो वड्डा जिहड़ा साडा देखभाल है साडी शुरुआत होंदी साडे बच्चों तों। बच्चा जो पैदा होंदा है उस तो बाद थोड़ा वड्डा होंदा है, मम्मी उन्हें सिखाती है पापा पापा कहना। इस तरह ही जिवें जिवें बच्चा वड्डा होवे साडी नज़र उहदे ते रहनी चाहिए है, इहदियां हरकतां दे बारे च, इहदियां शरारतां दे बारे च, इहदी गलत संगत दे बारे च। जिस तरह भी असीं थोड़ा जिहा सानूं शक पवे इहदियां हरकतां दे विच चेंज आया उस तरह ही सानूं उहदे नाल गल करनी चाहिए है। इस तरह ही अगर कोई ड्रग्स लैंदा कोई ऐसे भैड़े काम करदा उहदे उत्ते ऐसे सख्त कानून होने चाहिए ने जिहदे नाल बच्चे नूं पहला ही कानून का भी डर होवे कि खौफ होवे अगर मैं बुरी संगत च पिया ते मैनूं घरों जुतियां पैनियां ही पैनियां ने, मैनूं कानून ने भी सजा देनी है, पता नहीं किन्ने सजा किन्ने साल की सजा मिल जाए। इस डर दे नाल खौफ दे नाल बच्चा एक चंगी संगत च रहेगा ते रब दा नाम भी लेगा, घरदिआं दी मां प्यो दी इज्जत भी करेगा।
साडे नाल जादूगर बैठे ने ते मैं एदे बारे ते असी जरूर गलबात अग्गे वधावांगे पर फिलहाल चाहुंदी हां कि तुसी एक जादू सानू एक होर जादू दा खेड दिखाओ। मेरे कोल एक एम्प्टी बॉक्स है, खाली बॉक्स, खाली बॉक्स तुहाडे सामने है। एक पेपर है, ऑर्डर दी पेपर है, इस नू जलावांगे। इस पेपर में तुहाडे सामने मैं जला दिता, एक मंत्र लगावांगे, गिले 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 चू। हाँ दोस्तों देख रहे हैं, अगल दूध घट पी मित्रों असी गलबात कर रहे थे ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स नू होर फैलाउण विच प्रोफेशनल स्मगलर्स ने सब तो ज्यादा कारगुजारियां कीतियां। एक रिसर्च के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर, बठिंडा, फरीदकोट ते अमृतसर जिलों में नशे का रुझान बाकी जिलों के मुताबिक काफी ज्यादा देखने में आ रहा। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम दी साल 2006 विच वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट मुताबिक पिछले कुछ सालों विच हिंदुस्तान नशे की सब तो वड्डी मंडी के रूप में उभर के सामने आया। जतेंद्र जी असीं तुहाडे तों पुछना चाहांगे, यह जिहड़ी नौजवान पीढ़ी हैगी है, बच्चे हैगे ने, इन्हां दे विच असीं जिहड़ी है ड्रग्स के प्रति रुझान वेख रहे हैं वह वधदा जा रहा है, तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। क्या मतलब यह होया कि मां प्यो नूं अपने बच्चे नूं टाइम ज्यादा देना चाहिए, पैसा बचा काट दे देन, कोई प्रॉब्लम वाली गल्ल नहीं, उन्हां नूं बिजी भी रखना चाहिए। मैं लगता कि बच्चों कोई ना कोई एक्टिविटी पंद रहना चाहिए, कोई ना कोई उन्होंने जिम्मेदारी पाते रहना चाहिए, बेटे यह काम करना है तो इस बाद यह काम तक तैयार है। एक काम उन्होंने वास्ते रिजर्व रखो जिस नाल बच्चा एक काम करके हटे तो दूजा काम वास्ते तैयार हो। जिस तरह के एक कोर्स जिस तरह कंप्यूटर का अजकल युग चल रहा है, अपने बच्चों कंप्यूटर सिस्टम से लगा दो, घंटा उतो लेके लगा के आए, दो घंटे घर आके पढ़े, पढ़ाई करे, कंप्यूटर युग है तो अपने दिमाग में वो चलावे, जिन्ना चलाएगा उन्होंने दिमाग होर वधेगा। जितेंद्र सिंह जी असं भी तो बिजी रखा, अभी भी अपने दिमाग से एक और जादू बकाओ साढ़े दर्शक। ये मेरे को एक खाली बैग है, एम्प्टी बैग, एक मिनट खोल दो पहले, ठीक है देखो जी बिल्कुल खाली है। फोन तुम दोनों ने इस तरह हाथ करोगे, मैंने पता लगे तुम एक्शन बड़े वधिया कर ले। गुड मॉर्निंग पंजाब सादा शो है, तो ऐसे तरह ही साढ़े कोल गुड मॉर्निंग सवेरे सवेरे सुबह जी होंगी है, किस तरह गिफ्टा भरी होंगी है, गले 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 चलो, तो ऐसा साढ़े को जो गिफ्ट आते हैं देखो जी। निका जहा गिफ्ट निकले तो इन्हों दे दो, ये बड़ा गिफ्ट निकले तो मेरे को। हेलो जी, वाओ वाओ क्या बात है, क्या बात है, गले गले गिली गिली, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक दो तीन चार पांच गिफ्ट निकले ने? नहीं एक बार और गिली गिली करना। अच्छा गिले गिले गिली गिली, वाह क्या बात है। दर्शकों सानू पूरी पूरी उम्मीद है कि तुसी साडे आज दे इस शो नू बहुत बहुत एंजॉय कर रहे होवोगे। मित्रों असी साडे आज दे मेहमान जादूगर जितेंद्र सिंह जी दे जादुई रंगा नू मनिया, उन्हां नू वेख्या, तुहानू बहुत मजा आया, ते इस मजे नू असी थोड़ी देर होर अगे वधावांगे। बिल्कुल, वन मोर एक्ट, वन मोर एक्ट, वन मोर एक्ट, एक होर जादुई करिश्मा। मैनू लगदा कि नवा साल आने वाला, मेरे कोल इक रुमाल है, ओके इक रुमाल तुहाडे सामने। जी जी जी, हर दिन तो बाद एक दिन आंदा है, हर साल तो बाद एक साल आंदा है, हर महीने तो बाद एक महीना, ते हर हैप्पी न्यू ईयर तो बाद नया हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात, मिलेनियम 2008। मित्रों साडे अज दे खास मेहमान जितेंद्र सिंह बब्बर जी दा ए तुहानू स्नेहा है, नवे साल दियां बेस्ट विशेस ने अपने तरीके अपने अंदाज च।